वेलकम दोस्तों, हमें एक फ्रेंड ने पूछा था लकआउट रिले के बारे में। जो पैकेज एसी रहते हैं, रूफटॉप सेंट्रल एसी रहते हैं, उसमें ज्यादातर आपको लकआउट सिस्टम देखने को मिलता है। ये लकआउट रिले होता क्या है, क्यों लगाया जाता है और इसके क्या फायदे हैं? ज्यादातर आपको एक क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता रहेगा। अगर आप HVAC के टेक्नीशियन है या फिर नए नए कोर्सेस कर रहे हैं तो ये इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जो भी बड़े बड़े मशीन रहते हैं, थ्री फेज रहते हैं, पैकेज एसी चिलर रहते हैं, उसमें सभी में ये सिस्टम आपको देखने को मिलता ही मिलता है, लकआउट सिस्टम। तो अगर आप पुराने हैं, लकआउट के बारे में आपको मालूम है, तो ये वीडियो आप नए टेक्निशियन नए लोग पास शेयर करें। जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं, आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। तो लकआउट सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि नाम से मालूम चला, लॉक आउट होना यानी कि कोई भी सिस्टम को लॉक कर देना। जैसा कि हम लोग जानते हैं एसी आ गई, एसी है, बड़े बड़े एसी जो रहते हैं उसमें कंप्रेसर मांगे, एक्सपेंसिव थ्री फेज रहते हैं, सब कुछ रहता है, उससे प्रोटेक्शन ज़्यादा ही रहता है। तो ये प्रोटेक्शन जो है कैसे रहता है, जैसे कि मान लीजिए अभी ठंडी का समय आ रहा है या फिर गैस कोई भी रीजन से कम हो गया है, तो टाइम में क्या होगा, कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा। बट कई बार ऐसा भी होता है, आपका गैस कम रहता है, LP प्रेशर स्विच से कट ऑफ हो जाता है। बट कोई भी कारणवश से अगर LP प्रेशर स्विच से कट ऑफ नहीं हो रहा है, या मान लीजिए आपका प्रेशर लो हो गया, नॉर्मल हुआ है, काम फेल हो गया है, तो गैस अगर कम हो गया है तो टाइम में क्या होगा, जैसे गैस कम हो जाएगा तो फिर LP प्रेशर स्विच से क्या होगा, ऑफ हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है। जो नॉर्मल प्रेशर स्विच आ जाते हैं वो क्या होता है, LP प्रेशर स्विच से ऑफ हो जाता है, फिर थोड़ा टाइम के बाद ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। या फिर सिस्टम में आइस आ गया है, आइस आ गया तो क्या होगा, उसमें भी कंडीशन में क्या होगा, गैस का प्रेशर कम होता है, गैस ज्यादा कम नहीं होता है, उसका प्रेशर जो है टेम्परेचर के हिसाब से कम हो जाता है, फिर थोड़ा टाइम के बंद होगा तो अपने आप क्या होगा, एसी फिर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गैस का प्रेशर बढ़ेगा थोड़ा टाइम में बंद होने के बाद में, तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से अपने आप जो है कंप्रेसर हैवी रहेंगे, बढ़ रहेंगे, अपने आप बंद चालू होते रहेंगे तो क्या होगा, कॉन्टेक्टर खराब हो सकता रहेगा या फिर कंप्रेसर का जो मैकेनिकल पार्ट्स रहेंगे वो खराब हो सकते रहेंगे। तो इससे प्रोटेक्शन करने के लिए लकआउट सिस्टम लगाया रहता है। इसका कंट्रोलिंग जो रहता है आपका HPLP स्विच के होते माध्यम से ही जाता है, जो कॉन्टेक्टर रहते हैं। ये क्या होता है, जब एक बार सिस्टम जब LP पर ट्रिप हो जाता है तो दोबारा जो उसके पावर जाने वाले रिले में रहता है वो ऑफ हो जाता है, ऑन डायरेक्ट हो जाता है, जिससे कॉन्टेक्टर को जाने वाला पावर जो वो एक ही पावर हो जाता है, यानी कि उसमें जो पावर जाना जैसे फेस न्यूट्रल रहता है तो फेस ही फेस हो जाएगा, उसमें न्यूट्रल नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा, उसमें आपका कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा। उसका नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे इसका वायरिंग क्या रहता है, बेसिक आप समझ लीजिए इसका। यह जो प्रोटेक्शन डिवाइस है ये क्या करता है, जहां पर मान लीजिए गैस का आपका कम हो गया कोई भी कारण से, या फिर कोई भी कारणवश से कंप्रेसर में गैस सिस्टम यानी गैस हाई हो गया, हाई कब होगा, जैसे कंडेंसर आपका ब्लॉक हो गया है, कंडेंसर फैन सडनली नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, वो टाइम में गैस प्रेशर ज्यादा हो गया। लो कब होगा, आइस आ गया है या फिर लीक हो गया है, कोई भी कारणवश से आपका एक बार गैस कम हो गया, बंद हो गया, तो दोबारा स्टार्ट ना हो, उसके लिए क्या होगा, लकआउट सिस्टम से पावर जो रहता है लॉक हो जाता है, पावर आउट नहीं जाएगा। उसमें क्या होगा, मैनुअली जाकर के चेक करना होगा। जब मैनुअली जाकर फिजिकली जाकर चेक करेंगे उसमें सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से पावर होल्ड है, कहाँ से पावर रुका हुआ है, कंप्रेसर तक नहीं जा रहा है, वहाँ पर जाकर के आप चेक करेंगे तो उसे क्या फॉल्ट है, उसे चेक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा, उसे फाइंड आउट करके करेंगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा। बट आप बिना फाइंड आउट किए ही सिस्टम अगर चलता रहेगा, बंद चालू होता रहेगा, तो कंप्रेसर खराब या फिर कॉन्टेक्टर खराब, कोई भी पार्ट्स खराब हो सकता रहेगा। इसे प्रोटेक्शन के लिए लकआउट सिस्टम लगाया जाता है। इसका वायरिंग कनेक्शन जो रहता है अलग पार्ट में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। ये जो नॉर्मली आपका रिले रहता है 24 वोल्टेज हो गया या फिर 220 वोल्टेज पर वर्क करता है। अगर आपका कोई क्लाइंट कस्टमर कोई पूछता है इस तरह से इंटरव्यू पूछता है लकआउट का क्या काम क्या रहता है, तो आप बता सकते रहेंगे। लकआउट का सिस्टम यही रहेगा, सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई भी गैस कम हो गया या फिर हाई हो गया, HP स्विच हो गया या फिर LP स्विच से सिस्टम कट ऑफ हो रहा है यानी कि ट्रिप हो रहा है, तो दोबारा ये अपने आप ऑन होने नहीं देता है, जिससे सिस्टम बार बार चालू बंद नहीं होगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा।
तो ये चीजें आप उसे बता सकते रहेंगे, देख सकते रहेंगे। अगर इसका वायरिंग जाना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, इसका हम वायरिंग आगे बनाएंगे, देखेंगे, जानकारी लेंगे। तो आशा करता हूँ जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था उनका आंसर मिला रहेगा। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें चैनल, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, वो जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन से ऑन करें, ये वीडियो लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, नए टेक्निशियन है, ये फील्ड में आना चाहते हैं, आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। तो आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।